हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज का जो सेशन है, आज की जो हमारी क्लास है, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं MCQs। MCQs मतलब एक प्रश्न और उसके चार ऑप्शन। मैं डिस्कस जो करने वाला हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू एनिमल ब्रीडिंग, यानी कि पशु प्रजनन। पशु प्रजनन से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक बार कन्फर्मेशन दे दो, अगर आपको मेरी आवाज सही से सुन रही है और मैं आपको दिख रहा हूं, इफ माई ऑडियो एंड वीडियो इज ओके, तो एक बार यस टाइप कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे हमारे आज के सेशन को। ठीक है, एवरीथिंग लुक्स गुड, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैसेज देख रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसा ना होना कि इंपॉर्टेंट मैसेज मैं रिप्लाई ना करूँ। ठीक है, नॉर्मल से मैसेज है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, स्टार्ट करते हैं अभी के अभी। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं MCQs related to animal breeding, यानी कि पशु प्रजनन से संबंधित। ये जो MCQs होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर होंगे, और मैं ये नहीं करूंगा कि एक ही भाषा को पढ़ के छोड़ दूं। मैं दोनों ही लैंग्वेज को रीड करूंगा, समझाऊंगा, जो कंपैरेटिवली टाइम ज्यादा लेके जाएंगी, लेकिन इस बात की गारंटी देता हूं कि जो भी क्वेश्चन होगा ना, कॉन्सेप्ट के साथ समझा के जाऊंगा, ऐसे फटाफट से आंसर डिस्कस नहीं करूंगा। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या एक से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल। पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है। हम एनिमल में जब प्रजनन करवाते हैं, रिप्रोडक्शन करवाते हैं, क्या नेचुरल करवाया जा सकता है, क्या आर्टिफिशियल करवाया जा सकता है, क्या एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करवाया जा सकता है। अगर सब करवाया जा सकता है तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या लगता है, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल। प्रजनन किस प्रकार का होता है आपके पशुओं के अंदर। उत्तर आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि नेचुरल यानी प्राकृतिक तो होता ही होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है ना, जो आपका क्या होता है, कृत्रिम गर्भाधान होता है, वो भी पशुओं के अंदर करवाया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान की भी 2-3 विधियां होती हैं, मैं आपको बताऊंगा आज के कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाने की सबसे बेस्ट मेथड कौन सी होती है। उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट यानी कि भ्रूण का प्रत्यारोपण। क्या आप जानते हैं एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्निक क्या होती है। एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट यानी भ्रूण प्रत्यारोपण के अंदर क्या किया जाता है, पशुओं को हार्मोन दिए जाते हैं। पशुओं को हार्मोन देके उनका जो ओव्यूलेशन रेट होता है, मतलब जो अंडा देने की, जो अंडा रिलीज करने वाली क्षमता है ना, उसको बढ़ा दिया जाता है। ओव्यूलेशन रेट जब बढ़ जाता है तो एक काऊ जो है वो क्या करती है, एक से ज्यादा एग रिलीज करती है। एक से ज्यादा एग रिलीज करने के बाद हम उसे क्या करते हैं, हम उसे फर्टाइल करवाते हैं, मतलब उसकी मेटिंग करवाते हैं, यानी नर पशु के साथ संभोग करवा देते हैं। अब उसने ओव्यूलेशन रेट को बढ़ा दिया था, आपने उसका मेल के साथ मेटिंग करवा दी, अब सारे के सारे एग्स क्या हो गए, वो सारे के सारे फर्टाइल हो गए। अब इतने सारे एग्स को एक ही मदर की बॉडी ट्रांसप्लांट सपोर्ट नहीं कर सकती, एक ही बॉडी के अंदर 5-6 बछड़ों का विकास नहीं हो सकता। अब एम्ब्रियो को निकाल के किसी और मादा के अंदर डाल दिया जाएगा, और इस तकनीक को क्या बोला जाएगा, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट यानी कि भ्रूण का प्रत्यारोपण। क्योंकि आपने भ्रूण बनाया, वहां पर उसका भी प्रत्यारोपण किसी और शरीर के अंदर कर दिया, जैसे समझने के लिए बोल दीजिए सरोगेसी। अगर आपने मिमी मूवी देखी है, देखिए आप लोगों ने मिमी, तो वो जो सरोगेसी है, जो मिमी मूवी है उस पे बेस्ड है, तो उसी तरह से यहां पे भी क्या करते हैं, एम्ब्रियो का ट्रांसप्लांट, भ्रूण का प्रत्यारोपण कर लेते हैं। तो तीनों ही विधियों से हो रहा है, इसलिए इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या आ गया, इट इज ऑल ऑफ दीज। आगे चलते हैं,
ये आपने सही बताया, उम्मीद करता हूं एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट भी समझ गए होंगे। विच ब्रीड इज द क्रॉस ऑफ मुर्रा एंड सूरती। मुर्रा का जहां पे मेल लिया गया और सूरती जहां पे फीमेल लिया गया, मतलब मादा ली गई सूरती की और जो नर लिया गया वो मुर्रा का लिया गया, और मुर्रा और सूरती के क्रॉस से कौन सी नस्ल बनाई गई? फटाफट से अपना सही उत्तर लिख दीजिए, भदावरी, नीली रावी, मेहसाना या फिर जाफराबादी। क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा? ठीक है जी, बिल्कुल सारे लोग सही बता रहे हैं, आसान सा प्रश्न है ये, हर कोई कह रहा है कि सी आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, आंसर क्या आएगा? सी आएगा। मुर्रा और साथ साथ सूरती के क्रॉस से क्या किया गया? बनाया गया मेहसाना नाम की ब्रीड को। क्या आप जानते हैं मेहसाना जो आपको पीछे दिख भी रही है, इसका नाम मेहसाना ही क्यों रखा गया? मेहसाना नाम का क्या है, गुजरात के अंदर एक टाउन है, उस टाउन के अंदर ही इसका ब्रीडिंग ट्रैक्ट है, मतलब उसी के आसपास इसका विकास हुआ था, इसीलिए भैंस की इस नस्ल का जो नाम है वो भी क्या रख दिया गया? मेहसाना रख दिया गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं मेहसाना की एज एट फर्स्ट काविंग, मतलब जब वो पहली बार बच्चे को जन्म देती है उस समय पे मेहसाना की उम्र कितनी होती है? एज एट फर्स्ट काविंग कितनी होती है मेहसाना काऊ की? राइट आंसर की बात करेंगे तो यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 42 से 45 मंथ्स है ना, 42 से 45 मतलब 42 से 45 महीने क्या हो जाएगी जो आपकी मेहसाना नस्ल है उसकी एज एट फर्स्ट काविंग है, मतलब प्रथम ब्यात पर उसकी आयु कितनी होगी? 42 से 45 माह होगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सुटेबल टाइम फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आफ्टर द काउ कम्स इनटू हीट, है ना? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कहता है कि गाय के हीट में आने के बाद कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयुक्त समय क्या होता है? हीट में आ गई है तो कब उसका इंसेमिनेशन, कब उसकी मेटिंग करवाएंगे? 8 से 10 घंटों के बाद, 12 से 18 घंटों के बाद, 24 से 30 और 30 से 36 घंटों के बाद। देखो जो गाय है, जो काऊ है, वो हीट में आती है 24 घंटे के लिए, तो दैट मीन्स 24 से 30 और 30 से 36, इसका तो कोई चक्कर है ही नहीं। क्यों नहीं है चक्कर? क्योंकि 24 घंटे के लिए हीट में आती है, इस टाइम पे तो वो हीट में रहेगी नहीं। तो उत्तर आएगा ए या फिर बी। अब मुझे बता दो, ए सही उत्तर है या फिर बी सही उत्तर है? यस, सब लोग सही बता रहे हैं। राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 12 to 18 hours, 12 से 18 घंटों के बाद। याद रखिएगा, गाय जब हीट के अंदर आ जाती है तो हीट में आने के 12 से 18 घंटे के बाद हम क्या करवा देते हैं? उसका संभोग यानी कि मेटिंग करवा देते हैं। वो मेटिंग कैसी हो सकती है? वो नेचुरली भी हो सकती है और वो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम विधि से भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 4 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड फॉर सीमन कलेक्शन, इनमें से कौन सी गैस है जो वीर्य संग्रहण के लिए उपयोग में लाई जाती है? क्या ये ऑक्सीजन है, या सल्फर डाइऑक्साइड है, या फिर नाइट्रोजन है, या फिर आर्गन है? मुझे पता है सही उत्तर तो बता दोगे, लेकिन मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जो इससे ही जुड़ा हुआ है। उत्तर तो आपने सबने बता दिया है, है ना? राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहां पे क्या आएगा? इसे लिक्विड नाइट्रोजन कह दो, या फिर इसे क्या बोला जाएगा? तरल नाइट्रोजन इसे कहा जाएगा। तो लिक्विड नाइट्रोजन या फिर तरल नाइट्रोजन जो होती है उसके अंदर क्या किया जाता है? उसके अंदर सीमन को प्रिजर्व कर लिया जाता है। जैसे आप सामने देख पा रहे हैं, ये देखिए लिक्विड नाइट्रोजन गैस है, इस तरह से धुआं धुआं सी दिखती है। अगर आपके घर में कभी वेटरनिस्ट जो डॉक्टर होता है वो अगर कृत्रिम गर्भाधान के लिए आया होगा तो आपने देखा होगा वो जो बॉक्स खोलते हैं उसमें से धुआं धुआं सा उठ रहा होता है। देखा आप लोगों ने? वो धुआं धुआं नहीं होता, वो लिक्विड नाइट्रोजन ही होती है। और लिक्विड नाइट्रोजन की बात करें तो उसका तापमान कितना होता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक प्रश्न पूछना है मुझे आपसे, वो क्वेश्चन ये है, देखिए सीधी सीधी बात, ये तो आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ था तो आसानी से आंसर कर दिया कि -196 होता है लिक्विड नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन के अंदर डाल देते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो तरल नाइट्रोजन के अंदर आपने डाल दिया -196, यार बर्फ बन जाती है जीरो पे, तुमने डाला -196 पे,
तो जो आपके स्पर्म है ना, स्पर्म मतलब वो जो सीमन रखा है, सीमन के अंदर स्पर्म है, स्पर्म मर जाएंगे, उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी, सीमन काम का ही नहीं रहेगा। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे यार, -196 इमेजिन करो यार, कितना ज्यादा ठंडा कर दिया ऐसे तापमान के अंदर, ऐसे एनवायरमेंट के अंदर, जो आपके क्या होंगे, जो आपके सीमन के अंदर स्पर्म होंगे, शुक्राणु होंगे, वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। और मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, कन्फर्म वो मरते हैं, है ना, क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, ये आपने ठीक बताया, लेकिन होता क्या, मर जाएंगे कन्फर्म वो। लेकिन रिंकू मीणा ने कुछ लिखा है, जेपी नेगी ने भी लिखा है और बाकी लोगों ने भी लिखा है, तो शायद आप कुछ लिखना चाह रहे हैं। बात आपकी सही है, मैं आपको बता दूं, सीमन को जब प्रिजर्व किया जाता है, वीर्या को जब संरक्षित किया जाता है ना, तो उसके अंदर गिल्स रोल डाला जाता है। तो गिल्स रोल क्या करता है, एक तो सीमन की मात्रा को बढ़ा देता है, दूसरा गिल्स रोल क्या करेगा, वो जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, उनको मरने नहीं देता, उनकी शेल्फ लाइफ यानी जिंदा रहने की जो अवधि है उसको बढ़ा देता है। तो इसीलिए सीमन को सीधा सीधा संरक्षित यानी प्रिजर्व नहीं करते हैं, उसको क्या किया जाता है, उसको पहले क्या कर लिया जाता है, उसको कर लिया जाता है गिल्स रोल के अंदर मिक्स, यानी कि डाइल्यूट कह देते हैं उसे, और उसके बाद उसे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डाल दिया जाता है। उम्मीद करता हूं अब आप लोग समझ गए होंगे कि उसके अंदर जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, वो क्यों नहीं मरेंगे। प्रश्न संख्या 5 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। सुनंदिनी एक सिंथेटिक कैटल है, एक क्रॉस ब्रीड है, डेवलप बाय क्रॉसिंग। सुनंदिनी जो मवेशी है वो सिंथेटिक नस्ल है, जिसे क्रॉसिंग द्वारा विकसित किया गया। किसकी क्रॉसिंग की गई है, रेड सिंधी और नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल की, साहिवाल और एचएफ की, या थरपारकर और जर्सी की, या ब्राउन स्विस और नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल की। अब बताइए आंसर, ये सबको नहीं पता होगा, क्योंकि इसका उत्तर सामान्यतः हर जगह उपलब्ध नहीं होता। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा? देखो बी बोल रहे हो, बी तो बोलो ही मत, बी तो आएगा नहीं, साहिवाल एचएफ तो नहीं आ सकता, डी बोल रहे हो तो डी भी नहीं आ सकता, ए, अच्छा डी नहीं, सी, ए और डी में से आंसर आएगा, ए और डी में से बोलेंगे तो राइट आंसर आएगा डी, ब्राउन स्विस और नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल के साथ क्रॉस करवाया गया, और जो ब्रीड बनाई गई वो ब्रीड कौन सी है, वो आपकी सुनंदिनी ब्रीड है। ठीक है, आगे चलेंगे मैं सारे के सारे। अच्छा पहले ये बता देता हूं यार, ये ब्रीड सिंथेटिक कैटल या फिर क्रॉस ब्रीड या फिर जिसे आप कह रहे हो क्या संकरण नस्ल, इसका मतलब क्या होता है? संकर नस्ल या क्रॉस ब्रीड का मतलब क्या होता है, जब एक विदेशी नस्ल के सांड को, एक्जोटिक ब्रीड के किसको, बुल को क्रॉस करवाया जाता है इंडिजिनस काओ के साथ, तो उससे बनने वाली जो ब्रीड होती है, जो उससे आने वाली नस्ल होती है, उसको क्या कहा जाता है, उसे क्रॉस ब्रीड कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, अगला प्रश्न कहता है डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन इन एनिमल, पशुओं की बात करेंगे तो निम्न में से किसकी कमी पशुओं में प्रजनन से संबंधित है, कौन सा विटामिन या कौन सा मिनरल कम होगा जिससे प्रजनन संबंधी समस्याएं आएंगी, विटामिन ई, कैल्शियम, फास्फोरस या फिर मैग्नीशियम। आंसर बताने से पहले आंसर समझाना भी चाहूंगा, आंसर समझाना क्यों चाहूंगा, वो इसलिए समझाना चाहूंगा क्योंकि आजकल क्या होता है, मुझे यस और नो के अंदर बताइए, क्या आजकल प्रजनन संबंधी समस्याएं मनुष्यों के अंदर भी आती हैं, जो आपकी क्या है रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्या वो ह्यूमन के अंदर भी आ रही है, मतलब इंसानों के अंदर, पता चला कि जो मेल है वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा या फिर फीमेल बच्चा पैदा नहीं कर पा रही, ऐसा सुना ना आप लोगों ने? बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसा आजकल मनुष्यों के अंदर भी होता है, उसका कारण भी वही होता है जो पशुओं के अंदर कारण है। अब क्या कारण होता है, आप ए लिख रहे हैं विच इज द राइट आंसर, ए मतलब विटामिन ई, अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी है, विटामिन ई हमारे शरीर में कम होता है तो ये क्या करता है, कभी कभी आपने मिसकैरेज सुना होगा ना, मिसकैरेज का मतलब क्या होता है कि शरीर के अंदर ही बच्चे का मर जाना या फिर मरा हुआ बच्चा पैदा होना या बच्चा पैदा करने की क्षमता ही ना होना, ये सारी जो कमियां हैं ये विटामिन ई की कमी से हो सकती हैं। तो विटामिन ए जिनके शरीर में कम होता है, चाहे वो पशु हो या मनुष्य हो, तो उनमें क्या आता है, प्रजनन संबंधित मुश्किलें, रिप्रोडक्शन रिलेटेड क्या आ जाते हैं, डिसऑर्डर आ जाते हैं।
कौन से विटामिन से? विटामिन ई से। आप जानते होंगे विटामिन ई आपको किन किन से मिलता है, जानते हो ना? विटामिन ई के सोर्स बताओ मुझे। अगर आपको अपने शरीर के लिए विटामिन ए चाहिए तो आप क्या क्या खाएंगे? देखो खाने के नाम पे विटामिन ई लेने के लिए क्या बताया गया है, विटामिन ई के लिए। हाँ मेल स्टेरिलिटी कोई बोल रहा है भाई होता है। आलमंड किसी ने बोला सही है जी, बादाम आप खा सकते हैं, बादाम के ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स के अंदर यस होता है, सारे ड्राई फ्रूट्स में नहीं लेकिन होता है। उसके साथ साथ मिल्क की बात कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं? क्योंकि आपका जो मिल्क होता है ना उसके अंदर चार विटामिन होते हैं, कौन से? जो फैट सोल्यूबल होते हैं। फैट सोल्यूबल का मतलब समझते हो? फैट सोल्यूबल का मतलब हो गया वसा में घुलनशील। चार विटामिन होते हैं जो क्या होते हैं, जो वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। आप बता सकते हैं चार विटामिन कौन कौन से होते हैं? देखो लिख दिए गए सब है ना। हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ये चार विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये चारों विटामिन जो होते हैं ये दूध में वसा के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर आप वसा रहित दूध यानी लो फैट मिल्क कंज्यूम करते हैं ना, तो लो फैट मिल्क कंज्यूम करने पर क्या हो जाता है, विटामिन ई उसमें से चला जाता है। तो विटामिन ई आपको अपनी बॉडी के लेना चाहिए। डी जो है विटामिन डी वो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, विटामिन ए जो है वो रोग प्रतिरोधी क्षमता लाता है और आंखों को अच्छा बनाता है, और विटामिन ई जो है वो प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, समझ गए सारे लोग, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बोला गया द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रीजिंग एजेंट फॉर बुल स्पर्मेटोजोआ इन द फ्रोजन सीमन, यानी कि हिम आच्छादित वीर्य में बैल के शुक्राणुओं हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त हिम रक्षण अभिकर्ता कौन है, जिससे आपका क्या हो, हिम रक्षण मतलब कि वो हिम के अंदर मतलब कि आइस के अंदर मतलब कि ठंडे तापमान के अंदर भी शुक्राणुओं को स्पर्म को बचा सके। क्या ये फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, मैनोज होता है या फिर ग्लिसरोल होता है, क्या डाला जाता है सीमन के अंदर, जिससे आपके क्या है जो आपके सीमन है वीर्य के अंदर जो क्या है आपके शुक्राणु है वो बचे रहे। हाँ अभी अभी हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया भी था कि क्या किया जाता है, गिल्स रोल को मिक्स कर दिया जाता है। गिल्स रोल क्या करता है ना, वो सीमन एक्सटेंडर माना जाता है। सीमन एक्सटेंडर मतलब सीमन को क्या करता है, बढ़ा देता है और उसके अंदर इंप्रूवमेंट कर देता है। क्या स्पर्म की जिंदगी को, स्पर्म के मरने को, तो फ्रीजिंग पे मरते नहीं है, क्या हो जाता है उनकी लाइफ इंप्रूव हो जाती है। क्या डालने से, गिल्स रोल के डालने से। ये जो तकनीक है ये हमने 1949 के अंदर इसका आविष्कार किया था, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने इसे शुरू किया था 1949 के अंदर। उसके बाद से अब जहां जहां पे भी क्या हो रहा है, वीर्य का संरक्षण हो रहा है, उसके अंदर गिल्स रोल को डाला जा रहा है। समझ गए सारे लोग, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट प्लेस फॉर डिपोजिशन डिपोजिटिंग सीमन एट द टाइम ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन अ काउ। आपने पहले तो बताया था कि हीट में आने के 12 से 18 घंटे के बाद यानी कि 12 टू 18 आवर्स के बाद हम क्या करेंगे, उनका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर प्राकृतिक विधि से नेचुरल मेथड से इंसेमिनेट करवा देंगे। लेकिन अब की बार ये नहीं कह रहा, अब की बार कह रहा है कि अगर गाय में कृत्रिम गर्भाधान करना है तो उस समय पर वीर्य जमाव हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है, वीर्य डालने के लिए सबसे अच्छा स्थान क्या है, क्या वो गुदा के अंदर डाला जाता है, गुदा के अंदर नहीं तो क्या वो योनि के अंदर डाला जाता है, वहां पे नहीं तो किसी और भाग के अंदर डाला। ऑप्शन है मध्य गर्भाशय ग्रीवा यानी मिड सर्विक्स, गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स ओपनिंग, या फिर गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स, या फिर योनि यानी कि वजाइना। कहां पे डाला जाएगा सीमन को, सही उत्तर क्या आएगा इसका, बिल्कुल सारे लोग सही लिख रहे हैं। सी के साथ आप जाना चाह रहे हैं, सी के साथ नहीं यार, मुझे लगा आप सही, क्योंकि सारे लोग सी लिख रहे हैं, सी नहीं आएगा भैया, आप तो सर्विक्स कह दे रहे हैं, ना 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 ना, सर्विक्स में नहीं डाला जाता, कहीं और डाला जाता है। ध्यान से देखिए, मौका दे रहा हूं कि सही कर लो आंसर। सी से निकले तो डी पे चले गए, बोले वेजाइना के अंदर डाल देते हैं, नहीं नहीं वेजाइना में तो डालने का मतलब ही नहीं बनता। सी और डी सही उत्तर नहीं आएंगे, ए और बी बच गया, अब ढूंढ लो ए आएगा कि बी आएगा, दो ही ऑप्शन दे रहा हूं, अब तो देना पड़ेगा आंसर। ओके, राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर मिडल सर्विक्स आएगा। मिड सर्विक्स इसे कहा जाता है, सर्विक्स के बीच में से डाला जाता है।
है ना। होता क्या है बेसिकली, जब आपकी जो गाय है वो हीट के अंदर आती है ना, तो उस टाइम पे गर्भाशय का आकार छोटा कर लेती है। सर गर्भाशय यूट्रस का साइज छोटा क्यों करती है? छोटा इसलिए करता है कि जब वो ओव्यूलेशन होके एग रिलीज हो और उधर से स्पर्म आए। अब देखो ना, एक तो बड़ा स्थान है, मान लो इतना बड़ा स्थान है, यहाँ पे एक साइड से अंडा आया, एक साइड से सीमन आया, बड़ा स्थान है, तो इनके मिलने के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे या ज्यादा होंगे? बड़े स्थान के अंदर इनके मिलने के चांसेस कम होंगे या ज्यादा? ऑब्वियस नॉर्मल सी बात है, कम हो जाएंगे। लेकिन अगर स्थान इतना सा है, इतने के अंदर अंडा भी आ गया, स्पर्म भी आ गया, बताओ मिलने के चांस क्या हो गए? ज्यादा हो गए। तो जब हीट में गाय आती है ना, तो यूट्रस गर्भाशय का साइज छोटा हो जाता है। उस टाइम पे 12 से 18 घंटे के बाद हम सीमन को, वीर्य को डाल देते हैं, और डालने का जो सबसे सही प्लेस होता है वो होता है मिड सर्विक्स। आपको लग रहा है सर ये होता क्या है? चिंता मत करो, सब दिखा के जाऊंगा। देखो ये तो जो एक्सटीरियर ओपनिंग है, जो बाहर की साइड से ओपनिंग है, इसे तो बोला जाता है वल्वा, है ना। ये ऊपर जो है ये क्या है? ये हो गया रेक्टम। अब वल्वा से आगे अगर जाएंगे, ध्यान से देखिए, ये वल्वा से आगे जा रहे हैं, ये जो आ गया ना, ये होता है सर्विक्स। तो इसके मिडल में कहीं पे डाल देते हैं किसको? सीमन को। तो मिड सर्विक्स के अंदर डाला जाता है वीर्य को, मिड सर्विक्स, जिसे हिंदी के अंदर आप क्या कह सकते हो? मध्य गर्भाशय ग्रीवा कहा जा सकता है, ठीक है जी। अब मिड सर्विस क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन काफी लोगों ने गलत उत्तर दिया, तो उम्मीद करता हूं अब सबको समझ आ गया होगा कि सही उत्तर क्या आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा गया, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टाइम फॉर इंसेमिनेशन ऑफ अ काओ? एक गाय के गर्भाशय के लिए मध्यकाल का उपयुक्त समय क्या होता है? 12 से 18 घंटे के बाद होता है, साथ ही साथ क्या होता है? मध्य गर्भाशय ग्रीवा यानी कि मिड सर्विक्स के अंदर डाला जाता है। लेकिन अब की बार तो प्रश्न के ऑप्शन चेंज कर दिया गया, प्रारंभिक मध्यकाल के अंदर, मध्य मध्यकाल के अंदर, मध्यकाल के अंत में, या मध्यकाल में किसी भी समय किस टाइम पे करवाया जाएगा उसके अंदर इंसेमिनेशन। राइट आंसर की बात करेंगे तो 12 से 18 घंटे के बाद का मतलब एंडिंग होने वाली है, एंड होने वाला है ओस्ट्रस का यानी मध्यकाल का। तो यहां पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? एंड ऑफ द ओस्ट्रस विल बी द राइट आंसर। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज एक प्यारा सा वाई लिखिए, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं ये चाहता हूं कि जब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया और आंसर दे दिया तो कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में जाना चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा, वो लैंग्वेज बदल के आएगा। और जब भाषा बदल दी गई तब भी हमारा दिमाग तो हमारा ही है ना, हमें उत्तर आना चाहिए, क्योंकि हमें इस साल सिलेक्शन करवाना है। तो रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट को समझना है। MCQs पढ़ने से कुछ नहीं होता, परीक्षा के अंदर वो MCQs आते ही नहीं है। ये जो मैं करवा रहा हूँ ये भी नहीं आएंगे। सर ये भी नहीं आएंगे तो फिर क्यों करवा रहे हो? भाई ये नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट तो यही आएगा ना यार। अब सारी बातें तो कर दी कि 12 से 18 घंटे के बाद करते हैं, मिड सर्विक्स के अंदर डालते हैं, एंड ऑफ द ओस्ट्रस पे डालते हैं, अब क्या करेगा? अब तो बस भाषा को घुमाएगा, लैंग्वेज को कुछ और पूछेगा, तुम आंसर कर दोगे। तो रट्टा मत मारा करो, चीजों को समझा करो, ठीक है जी। सब लोगों ने वाई लिख दिया है, एक अमित कुमार है उनको छोड़ के, बस अमित जी ही है जिन्होंने नो लिखा है। और ध्यान से देखिए, अमित जी ने कम से कम 10 बार नो लिख दिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि अमित जी जो है अमित जी नहीं है, कोई और ही फेक आईडी है, क्योंकि सब लोग यस एक बार लिख रहे हैं तो नो भी एक ही बार लिखना चाहिए। और सब लोग यस लिख रहे हैं तो एक के नो करने का मतलब नहीं बनता। तो कोई बात नहीं अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कहीं और से होके फेक आईडी बना के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे मोटिवेशन का सोर्स हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार आपका आभार है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, इज देयर अ सूटेबल ब्रीडिंग स्ट्रेटजी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन बफेलो? भारतीय भैंस के उत्थान मतलब उनको सुधारना, उत्थान हेतु प्रजनन की उपयुक्त नीति कौन सी है? अगर भैंसों के अंदर सुधार करना है तो भैंसों के अंदर सुधार करने के लिए जो उपयुक्त मेथड है, जो उपयुक्त नीति है, वो कौन सी होगी? क्या ये हाइब्रिड ब्रीडिंग यानी संकर प्रजनन होगा, या फिर ये इन ब्रीडिंग होगा, या फिर सेलेक्टिव ब्रीडिंग होगा, या फिर आउट ब्रीडिंग? सेलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब चयनित प्रजनन, और आउट ब्रीडिंग मतलब बाह्य प्रजनन। कौन सा होगा जिससे भैंसों के अंदर सुधार किया जाएगा? आंसर करने से पहले, उत्तर करने से पहले ध्यान रखना, अब की बार गाय की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सामान्यतः हम जब जब प्रजनन की बातें करते हैं ना तो गाय के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अब की बार भैंस यानी बफेलो की बात की जा रही है। और बफेलो की बात करेंगे तो उत्तर क्या आएगा बताइए? अगर आपको लग रहा है कि उत्तर आएगा आउट ब्रीडिंग तो आपको गलत लग रहा है।
आउटब्रीडिंग नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने पहले बोला काओ लिखा होता तो आप आउटब्रीडिंग या फिर आउटक्रॉसिंग या फिर क्रॉस ब्रीडिंग आंसर कर सकते थे, क्योंकि आउटक्रॉसिंग हुआ या क्रॉस ब्रीडिंग हुआ वो तो आउटब्रीडिंग का ही पार्ट होता है, तो काओ में तो आपका उत्तर होता सही। लेकिन आप बफेलो में ही उत्तर कर रहे हैं तो भैया ये हो गया गलत, आंसर ए बी और सी में से आएगा। अब करिए चूज क्या लगता है, ए आएगा, बी आएगा या फिर सी आएगा। बहुत सारे लोग ए के साथ जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं हाइब्रिड ब्रीडिंग भी नहीं आएगा, भैंस की बात चल रही है, ए भी गलत उत्तर है। अब बच गया बी और सी, बताइए जरा बी आएगा कि सी आएगा, आंसर करिए, थोड़ा सोच समझ करिए। गलत बोल दो कोई बात नहीं, लेकिन गलत कोशिश करो ना हो तो अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है कि बी और सी मैंने ऑप्शन दिया, तो अब आप बी पे, यार कुछ लोग तो बी भी लिख रहे हैं, यार इनब्रीडिंग तो नुकसान करता है भाई, इनब्रीडिंग तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन लेके आता है, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे पशु के अंदर अंतः प्रजनन तनाव आ जाए, है ना, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, क्या आ जाता है, अंतः प्रजनन तनाव आ जाता है, किससे, इनब्रीडिंग करने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है ना यार, ये तो नुकसान कर देगा, तो मतलब बी भी उत्तर नहीं आएगा। तो बचा क्या आंसर हमारे पास, आंसर बचा सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सर ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है ये बता दो, सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, जब आप दो क्या करते हैं, दो हैं लेकिन क्रॉस करने से पहले आप क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं एक अच्छी मादा को और एक अच्छे नर को, तो वो सिलेक्शन मेथड को चूज किया गया और अच्छी नर और अच्छी मादा के बीच में क्रॉस करवा दिया गया, वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग है, जिससे क्या होगा पशु का दूध उत्पादन बना रहेगा और उनके अंदर उत्थान होगा। अब आप पता क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर तो फिर ब्रीड जो है वो अलग अलग क्यों नहीं हो सकती, आउट क्रॉसिंग क्यों नहीं हो सकती, फिर आउट ब्रीडिंग क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मेहसाना को हमने बनाया क्या करके, मुर्रा और सूरती में क्रॉस करवा के, गोदावरी को भी हमने क्या किया, मुर्रा और इन्फीरियर बफेलो मतलब वो जो सड़कों पे घूमने वाली आवारा भैंसे थी उनके अंदर क्रॉस करवा लिया हमने और गोदावरी नस्ल को बनाया, देखो वो तो बनाया, लेकिन इस समय की बात करेंगे ना तो इस समय भारत के अंदर सबसे अच्छी नस्लें पाई जाती हैं भैंस की, सबसे अच्छी नस्लें जो भैंस की हैं इस समय वो कहाँ पाई जाती हैं, वो भारत के अंदर पाई जाती है। तो आज अगर आप चयन विधि यानी कि चयनित प्रजनन यानी कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग बफेलो के अंदर भैंस के अंदर यूज करते हैं ना, अच्छी नस्ल के सांड और गाय क्रॉस करवा देते हैं, तो वो आपकी नस्लों का सुधार करेगा, उत्थान करेगा, इसीलिए सही उत्तर क्या आ गया, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। आगे जाने से पहले एक वाई मुझे फिर से चाहिए, क्योंकि आंसर तो समझ आ गया, वो तो पता चला क्या है, लेकिन एक वाई लिख दो अगर आपको क्लियर हुई ये वाली बात के आंसर सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्यों आया। ठीक है ये बात तो समझ आ गई, बट किसी बच्चे ने कहा कि काओ और बफेलो में डिफरेंट ब्रीडिंग सिस्टम क्यों यूज होता है वो बता दीजिए, बिल्कुल बताऊंगा। काओ और बफेलो में क्यों होता है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट काओ जो है वो इंडिया में नहीं है, हमारे वाली काउ से ज्यादा अच्छी है जर्सी, उससे ज्यादा अच्छी है ब्राउन स्विस, उससे ज्यादा अच्छी है कौन सी HF, लेकिन बफेलो वाले केस में वर्ल्ड की बेस्ट बफेलोज इंडिया के पास ही हैं। जैसे मुर्रा की बात करेंगे तो मुर्रा अपने आप में वर्ल्ड की बेस्ट बफेलो मानी जाएगी, तो बफेलो में हमारे पास भारत के अंदर ही अच्छी है, मुर्रा से क्रॉस करवाना है, लेकिन गाय का उत्थान काउ का इंप्रूवमेंट करना होगा, तो काउ वाले केस में क्या है, हमारे पास ब्रीड्स एग्जोटिक हैं, विदेशी नस्लें हैं जो ज्यादा अच्छी हैं, इसीलिए गाय के सुधार के लिए क्रॉस ब्रीडिंग यूज करेंगे, काउ में इंप्रूवमेंट करना है, काउ के मिल्क प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट करना है तो क्रॉस ब्रीडिंग किया जाएगा। क्रॉस ब्रीडिंग क्यों किया जाएगा, नस्ल दूसरे देश से लेके आएंगे, जैसे आपने करण फ्राइज, करण स्विस, सुनिंदनी, सुजाता, फूले त्रिवेणी नाम सुने है ना, ये सारे क्रॉस ब्रीडिंग से दूध बढ़ा है इनका, तो गाय में दूध बढ़ाना होगा तो क्रॉस ब्रीडिंग, भैंस में जाना है तो अपने आप में क्या हो सकता है, वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग हो सकता है। उम्मीद करता हूं अब बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया इन विच एनिमल इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट फाउंड, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट किस पशु के अंदर पाई जाती है, उत्तर तो बता देंगे लेकिन ये सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट यानी सिंक्रोनाइजेशन हीट का जो है ये होता क्या है, ये मैं समझाऊंगा, पहले उत्तर बता दो क्योंकि ये प्रश्न तो आप में से काफी लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करता हूं, पहले आप आंसर क्लियर कर दो, आंसर क्या आएगा, गोट यानी बकरी, शीप यानी भेड़, कैमल यानी ऊंट या फिर गाय, काऊ यानी कि गाय,
क्या लगता है राइट आंसर क्या आएगा? देखो आंसर तो सबने लिख दिया है, यस आंसर आप सही लिख रहे हैं। अगर आप बी के साथ जा रहे हैं, शीप के साथ जा रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? शीप हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इतने सारे लोग इस क्लास के अंदर है, 600 से ऊपर है, क्या आप में से कोई मुझे साधारण सी भाषा के अंदर लिख के बता सकता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट क्या होता है? मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं बिकॉज इस वीडियो पे ज्यादा नहीं तो 5-10 हज़ार व्यूज तो आएंगे ही आएंगे। आप देखिएगा, कोई इक्का दुक्का लोग होंगे जो आंसर बताएंगे, वरना सब कोई शीप ही बता रहे हैं, बट सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट क्या होता है ये नहीं बता पाएंगे। बट हाँ, एक दो लोग तो बता ही देंगे और वो बहुत अच्छी बात है ना। तो देखते हैं कोई आंसर बता पाया कि नहीं, फिर मैं आपको समझाता हूं होता क्या है। मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं? इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप जब भी पढ़ो ना तो आंसर के रट्टे मत मारो। हो सकता है वो ये कह दे कि भेड़ के अंदर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट क्या होता है, फिर नीचे ऑप्शन दे दे, आप तो रगड़े गए ना क्योंकि आपने तो रट्टा मारा हुआ था। तो कोशिश कीजिए, हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। साइलेंट हीट किसी ने बोला वो गलत है, वो नहीं होता। 2 मंथ तक लगातार हीट में रहना, हाँ ऐसा थोड़ा सही हो सकता है। सीमन होता है शीप का, भाई शीप की स्पेलिंग सीप लिख दी है, पर नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हीट अलग अलग टाइम पर आना, ठीक है ये बता देता हूँ क्या होता है, समझिएगा ध्यान से सुनिएगा बस। अब मत लिखो, कोई नहीं बता रहा है सही उत्तर, मैं बताता हूँ क्या होता है। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट का मतलब क्या होता है, देखो शीप की बात करते हैं ना, शीप बेसिकली पौधों की तरह प्रजनन करती है। आप बोलेंगे पौधों की तरह कैसे? जो हमारे प्लांट होते हैं वो प्लांट फ्लावरिंग यानी फूल कब लाते हैं? जब वहां पे आ जाते हैं शॉर्ट डे या फिर लॉन्ग डे। आपने पढ़ा होगा ना, जो हमारे प्लांट है वो शॉर्ट डे प्लांट भी होते हैं और वो लॉन्ग डे प्लांट भी होते हैं। तो जो शॉर्ट डे लॉन्ग डे की बात करेंगे ना, इसी तरह से जो शीप है ना वो भी क्या करती है, रोशनी से प्रभावित होती है और उस रोशनी के अनुसार उसके अंदर सेक्स हॉर्मोन यानी कि जो प्रजनन संबंधित हॉर्मोन है वो आते हैं। तो जो शीप के अंदर हीट आती है ना वो अलग अलग समय पे आती है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि मैं जब यहां पे बोल रहा हूं आपको वहीं पे सुन रहा है। कभी कभी आपने ऐसी मूवी देखी होगी ना कि मूवी आगे चल रही होती है, आवाज पीछे आ रही होती है और बिल्कुल मजा नहीं आता यार, आपको कहते यार बढ़िया नहीं चल रहा। बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन नहीं चल रहा पीछे की आवाज का और आगे की वीडियो का। तो यहां पे सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट का मतलब क्या है? एक ही समय में हीट में आना, क्योंकि वो आती अलग अलग है तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है शीप के अंदर। तो बस उसी को बोल देते हैं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट, के हीट को सिंक्रोनाइज कर दिया जिस समय पे चाहते हैं, फिर एक ही समय पे सारी जो शीप है वो क्या होंगी, वो गर्मी के अंदर हीट के अंदर यानी मध्यकाल के अंदर आ जाएंगी। उसको कहा जाएगा सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट। साइमल्टेनियसली बोल दिया किसी ने, बिल्कुल सही कहा है ना। तो इसका सही उत्तर आ गया शीप। और होता क्या है सिंक्रोनाइजेशन, वो भी मैंने आपको बता दिया है, डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया इन विच एनिमल साइलेंट हीट इज फाउंड, कौन से एनिमल के अंदर साइलेंट हीट होती है। साइलेंट हीट का मतलब क्या होता है? पशु हीट में तो आता है लेकिन जो हीट के सिम्टम होते हैं, जो हीट के लक्षण होते हैं वो नहीं दिखाता। क्या ये बकरी के अंदर होता है, भेड़ के अंदर, गाय के अंदर या फिर भैंस के अंदर? साइलेंट हीट किसके अंदर होता है? राइट आंसर की बात करेंगे तो यस, सब लोग सही लिख रहे हैं। राइट आंसर जो यहां पे आएगा वो क्या आएगा? बफेलो भैंस। लेकिन क्यों आया सर आंसर, ये तो बता दो। बताता हूं ये आंसर क्यों आया। देखो बफेलो की बात करते हैं, आंसर की बात करते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा इन सब पशुओं के अंदर गर्मी से ज्यादा समस्या कौन से एनिमल को होती है? आप बोलोगे सर हमें होती है। अरे हमें तो हो ही है, गर्मी आजकल बढ़ गई है भाई साहब, समस्या तो हो रही है। हमारी बात नहीं, पशुओं की बात करते हैं। इन सारे पशुओं में से मुझे बताओ कौन सा पशु है जिसके अंदर गर्मी से ज्यादा समस्या होती है। गर्मी से ज्यादा समस्या का मतलब वो हीट के अंदर स्ट्रेस दिखाएगा, मतलब वो उस गर्मी में अच्छे से नहीं रह पाएगा। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप जा रहे हैं किसके साथ? आप जा रहे हैं बफेलो के साथ। हाँ गर्मी के अंदर सबसे ज्यादा जो समस्या है वो बफेलो को आती है। इसीलिए तो आपने देखा, क्या देखा आपने, गई भैंस पानी में, एक बार पानी में घुस जाए भैंस तो क्या बाहर निकलती है? पत्थर डंडे मार के निकालना पड़ता है, वरना भैंस बाहर नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि वो उस तापमान से बहुत परेशान हो चुकी है। आज उसे पानी मिल गया तो बाहर नहीं आना चाहती है, वो आराम से पानी के अंदर रहना चाहती है, तो उसे गर्मी से बहुत समस्या होती है। तो बेसिकली जो भैंस है ना वो क्या होती है, हीट स्ट्रेस के अंदर होती है। जब वो हीट स्ट्रेस के अंदर होती है और हीट पीरियड में आती है,
हीट स्ट्रेस का मतलब तो गर्मी से, ज्यादा तापमान से उसको समस्या हो रही है। और फिर जब वो हीट यानी मध्यकाल में आती है ना, तो मध्यकाल में तो आती है, उसके अंदर सब कुछ सही होता है, लेकिन वो मध्यकाल के लक्षण यानी हीट के जो सिम्टम है वो नहीं दिखाती। और जब पशु हीट के सिम्टम नहीं दिखाता तो उसे क्या कहा जाता है, उसे साइलेंट हीट कहा जाता है। इसीलिए जो साइलेंट हीट है वो क्या है, वो होती है भैंस के अंदर यानी कि बफेलो के अंदर। समझ आ गया तो जरा सा यस लिख दीजिए कि हाँ सर, आंसर के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। देखिए आपके सामने प्रूफ भी हो गया है ना, कोई कह रहा है कि मेरे यहाँ भी भैंस के साथ यही समस्या होती है। तो अगर भैंस के साथ इस समस्या को बचाना है, ये समस्या नहीं होने देनी है, तो भैंस का तापमान कम रखिए। तापमान का मतलब उसे सही तापमान के अंदर रखिए, ज़्यादा गर्मी के अंदर रखेंगे तो समस्या आएगी। जिस बच्चे ने कहा कि सर समस्या होती है, मेरे भाई एक बार प्लीज़ बता, ये समस्या गर्मी के अंदर होती है या सर्दी के अंदर? या तो आप कहेंगे दोनों, या फिर आप गर्मी ज़्यादा बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि गर्मी में ही वो तापमान वाली समस्या को फेस कर रही है और उसी टाइम पे लक्षण नहीं दिखाती है। सर्दियों में तो फिर भी ठीक हो सकती है, तो गर्मियों में आती है क्योंकि गर्मियों में भैंस को ज्यादा समस्या होती है। इसलिए साइलेंट हीट किसके अंदर होती है? बफेलो के अंदर। आगे चलेंगे, नेक्स्ट बोला गया, एट व्हाट टेंपरेचर इज फ्रॉम फ्रोजन सीमन केप्ट इन टू लिक्विड नाइट्रोजन, हिमीकृत वीर्य को तरल नाइट्रोजन में कितने तापमान पर रखा जाता है? क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या आएगा? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, तरल नाइट्रोजन के अंदर सीमन है, उसको किस तापमान पर रखा जाता है? ठीक है, उत्तर बिल्कुल सही है, आप सारे लोग जानते हैं इसका। तो सी आएगा -196 यानी -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दिया जाता है किसको, सीमन को। आगे चलते हैं, विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? क्या वो हैंड इन वेजाइना मेथड है या वेजाइना स्पेक्युलम मेथड? पहला तो है योनि में हाथ डालना, दूसरा है योनि वीक्षण यंत्र विधि, या फिर रेक्टो वेजाइनल गुदा योनि विधि, हाथ भी डाला जाता है और नीचे से इंस्ट्रूमेंट डाल के भी कर दिया जाता है। All of the above, उपयुक्त सभी। इनमें से बेस्ट मेथड कौन सा है, किसका? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, कृत्रिम गर्भाधान का। ठीक है, सही उत्तर की बात देखो, सिंपल सी बात है, तीन ही मेथड होते हैं, एक स्पेक्युलम मेथड होता है, एक वेजाइनल मेथड होता है और एक रेक्टो वेजाइनल मेथड होता है। तीन ही मेथड होते हैं, इन तीन में से सबसे उपयुक्त जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? रेक्टो वेजाइनल मेथड माना जाता है। हाथ से हम क्या करते हैं, स्थान का पता लगा लेते हैं और सीमन डालने के लिए इंस्ट्रूमेंट अंदर डाला जाता है। एक बार गूगल पे लिख के देख लेना रेक्टो वेजाइनल मेथड, फोटो देख लेना, बाकी याद तो आपने कर ही लिया कि रेक्टो वेजाइनल मेथड जो है कृत्रिम गर्भाधान करने का वो सबसे उपयुक्त माना जाता है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल Within the same breed, but no common ancestor on the either side of pedigree up to 4 to 6 generation. ये एक ही नस्ल के भीतर जानवरों के संभोग की प्रक्रिया है, लेकिन इसमें 4 से 6 पीढ़ियों तक उनकी वंशावली में दोनों ओर कोई सामान्य पूर्वज नहीं होता। ब्रीड तो सेम है, नस्ल तो सेम है, लेकिन पिछली 4 से 6 जनरेशन तक क्या होता है, उनके अंदर कोई पूर्वज सेम नहीं होता। इसे क्या कहा जाता है, आउटक्रॉसिंग या फिर क्रॉस ब्रीडिंग या फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन या फिर आउटक्रॉसिंग। देखो इनब्रीडिंग डिप्रेशन तो कहा नहीं जाएगा, ए बी और डी में से उत्तर आएगा। क्या लगता है सही उत्तर क्या आने वाला है? प्लीज ये गलत मत लिखना, ये टॉपिक तो सबका क्लियर होना चाहिए। राइट आंसर क्या आएगा बता दो। ठीक है जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, राइट आंसर के साथ जाएंगे। तो राइट आंसर यहां पे क्या आने वाला है, अगर तो ये कहता कि अलग ब्रीड है, अलग ब्रीड है, तो फिर तो हम जाते क्रॉस ब्रीडिंग के साथ, लेकिन ब्रीड तो सेम ही है, ब्रीड सेम है, या तो आउट क्रॉसिंग आ सकता है या आउट ब्रीडिंग आ सकता है। अब आउट ब्रीडिंग तो बड़ा वर्ड है, आउट ब्रीडिंग का एक टाइप होता है, एक प्रकार होता है आउट क्रॉसिंग। उसमें क्या किया जाता है, एक ही नस्ल का क्रॉस करवाया जाता है, एक ही नस्ल का, लेकिन कोई आपस में एंसेस्टर यानी वंशावली के अंदर कोई पूर्वज समान नहीं होते, उसे आउट क्रॉसिंग कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आ गया वो क्या आ गया, आउट क्रॉसिंग आ गया। क्या राइट आंसर आ गया, यस राइट आंसर इज आउट क्रॉसिंग। चलो आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द बेस्ट पीएच फॉर सीमन प्रिजर्वेशन, वीर्य संरक्षण हेतु सबसे अच्छा पीएच मान कितना होता है, सबसे बेस्ट पीएच क्या है, 6.5, 7, 6.8 या फिर 7.2, क्या लगता है राइट आंसर क्या आएगा, बेस्ट जो है क्या सीमन प्रिजर्व करने के लिए, क्या सीमन प्रिजर्व करने के लिए बेस्ट जो पीएच है वो कितना होता है, राइट आंसर आप लिख दीजिए। ऑफ कोर्स आप राइट आंसर राइट आंसर राइट आंसर राइट लिख रहे हैं क्या, बी भी लिखा जा रहा है सी भी लिखा जा रहा है, लेकिन आंसर की बात करेंगे तो भाई आंसर क्या आएगा, सी विल बी द राइट आंसर, थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा सा अम्लीय तापमान नहीं, पीएच 6.8 के अंदर क्या किया जाता है, सीमन को प्रिजर्व किया जाता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे, यहां तक समझ आ गया है और क्लास आपको फ्रूटफुल लग रही है तो यस नहीं, अब की बार देखो लाइक बटन प्रेस करना पड़ेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर समझ आ रहा है तो आपका लाइक बटन वो बटन है जो हमें एनकरेज करता है कि हाँ यार बच्चों को समझ आया तो कल फिर से एक नया सेशन लाना चाहिए, कल एक नया सेशन लेके आऊंगा अगर आज आपको ये सेशन पसंद आएगा तो। ये एनिमल हस्बेंड्री पे था, कल वाला जो सेशन होगा वो होगा किसके ऊपर, एग्रोनॉमी के ऊपर, जिसमें क्वेश्चन हम एक ही टॉपिक से डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक होगा क्रॉप रोटेशन, यानी कि फसल चक्कर क्या होगा वो टॉपिक होगा। तो फसल चक्कर को तो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, बट अगर आप कहेंगे तो ही पढ़ेंगे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ही पढ़ेंगे, वरना पढ़ने का मतलब नहीं, बिकॉज बच्चे को पसंद नहीं आए तो ऐसा काम करना नहीं चाहिए, और बच्चे के लिए काम का ना हो ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए, है ना। आपके लिए फ्रूटफुल है तो इन्फॉर्मेशन देंगे, वरना घटिया शॉर्ट्स कभी नहीं बनाएंगे, या तो ऐसे शॉर्ट्स बनाएंगे जो बच्चे को मोटिवेट करे, या ऐसे बनाएंगे जो बच्चे को क्या करे, इन्फॉर्मेशन दे, ऐसे कभी नहीं बनाएंगे जिससे सिर्फ व्यूज खींचे जा सकें, वो मेरा काम है नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आगे मूव करते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर आर्टिफिशियल वेजाइना इन काओ, काओ के अंदर आर्टिफिशियल वेजाइना यानी कि गाय में कृत्रिम योनि के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, 39 डिग्री, 41 डिग्री, 43 डिग्री या फिर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने तापमान की आवश्यकता होती है। 45 तो बोलना मत, क्योंकि 45 डिग्री सेंटीग्रेड का जो पानी होता है उतना गर्म पानी अंदर भरा जाता है, अंदर गर्म पानी भरोगे तो बाहर वो उतना तापमान नहीं देगा, उससे कम देगा। अब उससे कम कितना देगा वो तुम समझ जाओ, पर मैंने बता दिया कि 45 के आसपास उत्तर नहीं आना चाहिए, 35 भी नहीं आना चाहिए, 39, 41 या 43, ए बी और सी में से आंसर आएगा। अब मुझे पता आप तुक्का मार रहे हैं, आपको लग रहा है सर ए और बी या फिर सी आपने बोल दिया वही तो पास पास है, तो आपका आंसर जो है 41 से 42 डिग्री माना जाता है, तो उस हिसाब से जो यहाँ पे आंसर है वो क्या आएगा, 41 डिग्री आएगा, 41 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड, यूजुअली कभी कभी 39 से 42 भी लिख दिया जाता है, तो 39 से 42 भी लिखा गया तब भी बीच का लेना पड़ेगा, मतलब 41 के आसपास ही लेना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगला आ गया, वेयर वर द करन स्विस एंड करन फ्राइज क्रॉस ब्रीड ऑफ काओ डेवलप, गाय की जो करन स्विस और करन फ्राइज संकर नस्लें हैं उनका विकास कहां किया गया था, मखदूम मथुरा के अंदर या नई दिल्ली के अंदर या करनाल के अंदर या फिर हिसार के अंदर, ए बी सी जल्दी से बताइए सही उत्तर क्या आएगा। इन दोनों नस्लों का जो विकास है आप सब लोग जानते हैं वो किया है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि NDRI ने, और NDRI जो है वो कहां पे है, करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले शिकायत है आप लोगों से, कर सकता हूं क्या, कर सकता हूं। आप देखो 570 580 लोग क्लास ले रहे हो, मैं भी देख रहा हूं कि 600 से क्रॉस कर जाए, लेकिन 600 से तुमने अभी तक क्रॉस नहीं करवाया है, वो 570 80 599 पूरा 600 पे जाके रुक गया, 600 से ऊपर नहीं गया। अगर आप लिंक शेयर करेंगे तो ये 600 से अबव चला जाएगा, और मुझे आज के लिए इसे 600 से ऊपर देखना है, तो मैं फिलहाल लिंक पहले शेयर करता हूँ एक बार फिर से, ताकि वो लोग जिनको नहीं पता चला कि सेशन चल रहा है, कुछ लोग वहाँ से भी आ जाएंगे, और आप चाहें तो आप भी लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि हम 600 क्रॉस कर जाएं। ज़रूरी है क्रॉस करना तो यार, है ना, अच्छा सेशन है तो सबको मिलना चाहिए। यार आपका नाम है बिजनेस मेस्ट्रो, आप कुछ और बात पूछ रहे हैं जहां से कॉल आया, लास्ट में पूछना, मैं आपकी बात का आंसर करूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं सिर्फ इस टॉपिक पे फोकस रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने कर दिया शेयर, अब आप कर दो।
देखते हैं 600 क्रोस होता है कि नहीं होता। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, टू ऑब्टेन प्योर ब्रीड बैक मेटिंग ऑफ ब्रीड विद द क्लोज इज नोन एज। शुद्ध नस्ल प्राप्त करने के लिए नस्ल का किसी एक के साथ वापस संभोग करवाना। क्या बोल रहा है यार, ये कह रहा है कि एक क्या है, एक कौन सी नस्ल है, प्योर ब्रीड है। प्योर ब्रीड क्रॉस वापस आपने पेरेंटल ब्रीड से करवा दिया, मतलब एक क्या है पूर्वजों में से माता या पिता से करवा दिया, उसको क्या कहा जाएगा, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, लाइन ब्रीडिंग या फिर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जिसे कहा जाता है अंतर जातीय संकरण। 2019 के अंदर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, और हाँ जब तक वो बात नहीं कर रहा किसकी, प्रभावी और अप्रभावी यानी डोमिनेंट और रिसेसिव जीनोटाइप फिनोटाइप की, तब तक टेस्ट क्रॉस आ नहीं सकता, तब तक क्या आएगा आंसर आप का आएगा बैक क्रॉस। तो इसका आंसर क्या है, बैक क्रॉस है। लेकिन जब वो ये कहे कि रिसेसिव फिनोटाइप के साथ क्रॉस करवाया गया, तो उस टाइम पे फिर वो क्या हो जाएगा, वो आपका टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पे, विच मेथड ऑफ ब्रीडिंग इज बेस्ट फॉर इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन एंड जेनेटिक विगर इन कैटल। अब ध्यान रखना, बातें बफेलो की नहीं चल रही है, अब बात किसकी चल रही है, काओ की। तो काओ के अंदर जेनेटिक इंप्रूवमेंट करने के लिए और साथ ही साथ मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कौन सा ब्रीडिंग करना चाहिए, लाइन ब्रीडिंग, क्लोज ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग या फिर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, अंतर जातीय संकरण करोगे या संकरण प्रजनन करोगे या क्लोज ब्रीडिंग या लाइन। देखो क्लोज ब्रीडिंग तो कभी रिकमेंड करी जाती है, क्लोज ब्रीडिंग की सिफारिश कभी नहीं की जाती है, ये तो नुकसान करती है। लाइन ब्रीडिंग उतना नुकसान नहीं करती लेकिन अच्छी भी नहीं मानी जाती। और ये तो होता है दो अलग अलग, क्या दो अलग अलग प्रजातियों में क्रॉस करवाना, जैसे कि आपने गधे और घोड़े का खच्चर जो बनाया उसमें घोड़ी यानी फीमेल हॉर्स को और मेल डोंकी को लिया गया, तो वो तो दो स्पीशीज होगी अलग अलग। तो बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा क्रॉस ब्रीडिंग, जो पिछले क्वेश्चन के अंदर हम पढ़ रहे थे कि करन फ्रीज और करन फ्राइज और करन स्विस एनडीआरए ने बनाया है, वो क्या है अपने आप में, वो संकर नस्ल यानी क्रॉस ब्रीड है। तो जहां पे हमारी गाय 2500 लीटर तक दूध देती है, तो वो जो संकर नस्लें हैं वो 3500 से लेके 4000 लीटर तक दूध दे रही है। तो मतलब इस विधि से क्या किया गया, नस्लों के अंदर सुधार किया गया गाय के अंदर। आगे चलते हैं, इन विच एनिमल डज रिप्रोडक्शन डिपेंड ऑन द सीजन। कौन से एनिमल के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो सीजन पर निर्भर होता है। भेड़ यानी शीप के अंदर, बकरी यानी गोट के अंदर, गाय यानी काओ और भैंस यानी बफेलो। देखो निर्भर होता है किसके ऊपर, सीजन के ऊपर। इसीलिए क्या होता है इनके अंदर सीजन एक ही साथ इनके अंदर क्या करवाना होता है, आपको ब्रीडिंग करवानी होती है, और एक ही साथ करवानी है तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट करना पड़ता है। अब आप मेरा हिंट समझ गए होंगे, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट किया जाता है, क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है इनके अंदर सीजन पे। तो ये किसकी बात चल रही है, यस सीजन के ऊपर ब्रीडिंग का रिप्रोडक्शन का डिपेंड करता है, कौन से एनिमल पे। उत्तर आ गया इसका शीप। हाउ मेनी काउज कैन बी इंसेमिनेटेड बाय अ बुल। एक साल में एक सांड से कितने पशुओं को गर्भित कर सकते हो। अगर आप एक साल के अंदर एनिमल को नेचुरल मेथड से इंसेमिनेशन करवा रहे हो, तो एक सांड कितनी काओ को इंसेमिनेट कर सकता है, 30-40, 20-30, 50-60 या फिर 80-100। क्या लगता है राइट आंसर क्या आएगा, वन ईयर के अंदर वन बुल जो है वो कितनी काउस को इंसेमिनेट कर सकता है। ओके परफेक्ट, राइट आंसर की बात करेंगे, देखो राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर आएगा यहां पे 50-60, 50-60 काओ को वो क्या कर सकता है, इंसेमिनेट कर सकता है। लेकिन अगर यही नेचुरल मेथड को ना अपना के क्या किया जाए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अपनाया जाए, तो वो 1000 गाय तक को गर्भित कर सकता है। वैसे सैकड़ों से हजार लिखा जाता है, तो वैसे तो कर पाता है 50-60 को, लेकिन डाइल्यूट कर लिया गया ना, तो 300 से लेके 1000 गाय तक को आप क्या कर पाएंगे, गर्भित कर पाएंगे, मतलब उन्हें इंसेमिनेट यानी प्रेग्नेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ब्रीडिंग ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप विद द होमोजाइगस रिसेसिव फिनोटाइप इज नोन एज। अगर आपने होमोजाइगस जो रिसेसिव है यानी कि अप्रभावी फिनोटाइप है, उसका जो क्रॉस है वो प्रभावी फिनोटाइप के साथ करवा दिया, उसे क्या बोला जाएगा, बैक क्रॉस, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस या रोटेशनल क्रॉस। अभी मैंने बताया था कि जब आप क्या करते हो, जब रिसेसिव फिनोटाइप का डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ क्रॉस करवाते हो, यानी प्रभावी फिनोटाइप का अप्रभावी फिनोटाइप के साथ क्रॉस करवाते हो, तो उसे क्या बोला जाता है, अभी बताया था। अब सारे लोग फटाफट से राइट आंसर बता दो।
ठीक है जी, राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, अगर तो वो ये रेसेसिव और डोमिनेंट यानी प्रभावी अप्रभावी की बातें ना करता फिर तो उत्तर आता बैक क्रॉस, लेकिन प्रभावी अप्रभावी है इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस इसका सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। द क्रॉस ब्रीड ऑफ काउ करन फ्राइज इट्स क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ, है ना, कि जो गाय की संकर नस्ल करन फ्राइज है वो किसका संकरण है, साहीवाल और ब्राउन स्विस का, थरपारकर और होलिस्टीन फ्रीजियन का, या गिर या ब्राउन स्विस का, या फिर साहीवाल या ब्राउन स्विस का, ये किसी का भी गलत नहीं चाहिए। जल्दी से सही उत्तर कीजिए इस प्रश्न का, राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या आएगा। जल्दी से सारे लोग लिखिए सही उत्तर क्या आएगा इस प्रश्न का। ओके, राइट आंसर की बात करते हैं तो जैसा कि देख पा रहा हूं मेजोरिटी जो बच्चे हैं वो बी के साथ जाना चाहते हैं, थरपारकर और होलिस्टीन फ्रीजियन की बातें कर रहे हैं, जो इसका सही उत्तर है थरपारकर और होलिस्टीन फ्रीजियन का क्रॉस करके किसको बनाया गया है, करन फ्राइज को बनाया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया, द ब्रीड फ्रीज वाल इज अ क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ, फ्रीज वाल जो है वो किसका संकरण है, हरियाणा और होलिस्टीन फ्रीजियन का, होलिस्टीन फ्रीजियन और साहिवाल का, करन स्विस और होलिस्टीन फ्रीजियन का, या फिर शॉर्ट हॉर्न और आपका किसका, होलिस्टीन फ्रीजियन का। राइट आंसर क्या आएगा, फ्रीज वाल जो है वो किसका क्रॉस है। ठीक है, फ्रीजवाल की बात करेंगे तो फ्रीजवाल किसका क्रॉस है भाई, फ्रीजवाल जैसा कि नाम में लिखा है, फ्रीज मतलब होलिस्टीन फ्रीजियन, वाल मतलब साहीवाल, तो ये क्रॉस है किसका, होलिस्टीन फ्रीजियन का और साहीवाल का, कौन, आपकी जो ब्रीड है जो नस्ल है फ्रीजवाल। आगे चलते हैं, अगला है करन स्विस। करन स्विस जो है वो क्या क्रॉस ब्रीड है कैटल की, जिसको डेवलप किया है बाय क्रॉसिंग बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, करन स्विस एक संकर नस्ल है, इस नस्ल ये मवेशियों की नस्ल है जिसमें निम्नलिखित में से किसके बीच संकरण कराकर विकसित किया गया है, साहीवाल और एचएफ के अंदर, साहीवाल और ब्राउन स्विस के अंदर, गिर और एचएफ के अंदर, या फिर लोकल काउ और ब्राउन स्विस के अंदर। क्या लगता है सही आंसर, सही उत्तर क्या आएगा, ए बी सी डी, राइट आंसर लिखिए क्या आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सब लोग बी के साथ जा रहे हैं, करन स्विस के लिए कहा जा रहा है कि साहीवाल और ब्राउन स्विस, है ना, बिल्कुल सही उत्तर है, साहीवाल और ब्राउन स्विस का क्रॉस करवा के हमने क्या किया, करन स्विस को बनाया, और करन स्विस को बनाया किसने, एनडीआरआई ने, है ना। अच्छा मुझे ये बता दो, ये दो नस्लों के बीच में क्रॉस करवाया गया तो इसको तो बोला जाता है क्रॉस ब्रीडिंग, ये बात तो पक्की है, ये तो आप में से सब लोग जान रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, क्रॉस ब्रीडिंग तो हो गया दो नस्लों के बीच क्रॉस करवाना, अगर मैंने दो प्रजातियों में क्रॉस करवा दिया, मतलब मैंने क्रॉस करवा दिया किसके अंदर, काउ और बफेलो के अंदर, या गोट और शीप के अंदर, या हॉर्स और आपका किसका, डोंकी के अंदर, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा कि इसे क्या कहा जाता है। यस, जेपी नेगी ने सबसे पहले, और फिर उसके शर्मा जी, रोहन ने, अभी चौधरी, और फिर महाकाल का पुजारी, इन सभी ने सही उत्तर दिया है, उसे कहा जाता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि अंतर जातीय संकरण कहा जाता है। अंतर जातीय संकरण से हमने दो पशुओं को विकसित किया है, कौन कौन से दो पशुओं को, एक तो खच्चर यानी म्यूल को किया है, और एक पोनी यानी कि हिन्नी को किया है। पोनी के अंदर हमने क्या किया, फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स को लिया, और जो खच्चर म्यूल है उसके अंदर हमने फीमेल हॉर्स को और मेल डोंकी को लिया। आगे चलते हैं लास्ट प्रश्न पे। लास्ट प्रश्न में कहा गया, अ न्यू बफेलो ब्रीड इज इवॉल्व्ड By grading up of local buffalo of coastal Andhra Pradesh with the Murra breed, तटीय आंध्र प्रदेश के स्थानीय भैंसे जो थी उनका मुर्रा नस्ल के सांड के साथ ग्रेडिंग करवा के एक नई भैंस की नस्ल विकसित की, उसका नाम क्या है, नीली रावी, बदावरी, टोडा, या फिर गोदावरी। अच्छा मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं, जब बात करते हैं किसकी, ग्रेडिंग अप की, तो एक होता है ग्रेडिंग और एक होता है अपग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ग्रेडिंग का मतलब होता है किसी अच्छे सांड का किसी भी बुरी नस्ल के साथ, बुरी मतलब जो स्थानीय नस्ल, जो अच्छी नस्ल नहीं, जो इन्फीरियर नस्ल है उसके साथ क्रॉस करवाना, वो तो होता है ग्रेडिंग अप।
अपग्रेडिंग क्या होता है? अपग्रेडिंग का मतलब है अच्छे सांड का उसी नस्ल की, है ना, कम अच्छी या फिर इनफीरियर जो अच्छी नहीं है उस मादा के साथ क्रॉस करवाना। तो ग्रेडिंग अप अलग हो गया, अपग्रेडिंग अलग हो गया, लेकिन तरीका वही है कि एक ऐसी मादा जिसका दूध उत्पादन अच्छा नहीं है, एक ऐसी फीमेल जिसका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, उसको बेटर करने के लिए, सुधारने के लिए हमने क्या किया, क्रॉस करवाया। यहां पे मुर्रा के साथ क्रॉस करवाया गया था और ब्रीड का नाम क्या था? ब्रीड का नाम था गोदावरी। नस्ल का नाम क्या था? नस्ल का नाम था गोदावरी। ठीक है, मैं दो प्रश्न और ऐड करना चाह रहा था लेकिन मैं लेट हो रहा था क्योंकि आपकी क्लास भी शुरू करनी थी मुझे, तो मैंने 28 ही क्वेश्चन ऐड किए, पर मैं प्लान था कि मैं 30 क्वेश्चन ऐड करूंगा, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि 30 क्वेश्चन और डिस्कस किए जाएं जो इससे डिफिकल्ट लेवल के हों। जनरली क्या होता है ना, यूट्यूब पे बच्चे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो आसान क्वेश्चन हो, है ना, तो इसलिए ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं मैंने आसान डाले, मैंने इंपॉर्टेंट ही डाले थे, बट कुछ और प्रश्न भी हैं जो काफी मुश्किल प्रश्न है बट परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं वो टेस्ट में या पोल में डाल दूंगा। अगर आप अभी मुझे यस लिख देंगे कि हाँ सर कल करवाओ, क्या करवाओ, कल अगर आप कहेंगे तो मैं एमसीक्यूज पे और सेशन करवाऊंगा जिसका टॉपिक पहले ही बता चुका हूं, फसल चक्कर, यानी कि क्या होगा, क्रॉप, क्या बोला जाए, क्रॉप रोटेशन जिसे कहा जाएगा, उसके ऊपर 30-40 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पर अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तभी करवाएंगे, अदरवाइज नहीं, बिकॉज आपके लिए यूजफुल होना चाहिए, आपको समझ भी आना चाहिए, सिर्फ उत्तर नहीं रटने हैं, कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर करने हैं, और अच्छा लगे तो ऑब्वियसली लाइक बटन पे तो आपने क्लिक किया ही होगा। चलिए ठीक है, तो सब लोग हाँ हाँ कह रहे हैं, तो कल फिर से आपको मिल जाएंगे आपकी ऐसी ही एक बेहतरीन सी क्लास के साथ। कौशिक जी कह रही हैं प्लीज एक्सप्लेन सिंक्रोनाइजेशन, एक काम करता हूँ शीप के लिए एक शॉर्ट्स डाल देता हूँ, शॉर्ट्स का मतलब एक मिनट का वीडियो डाल देता हूँ कि शीप के अंदर सीजनल ब्रीडिंग कैसे होती है और उसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट का मतलब क्या होता है, एक मिनट का वीडियो होगा। हमें भी आप बच्चों को कुछ ना कुछ वीडियो देने के लिए शॉर्ट्स बनाने पड़ते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैं कुछ एडिटिंग भी कर दूंगा तो कुछ कुछ चीज़ें उसके अंदर लगा दूंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, बाकी फिर भी अभी समझना तो एक बार के लिए रिकॉर्डेड वीडियो में चल जाना, आपको वहां पे भी आंसर समझ आ जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग से कॉल आया है GDPI के लिए, प्लीज बताएं ABM के लिए कौन सा कॉलेज के लिए कैसा है। हाँ, अगर आपके पास चार ऑप्शन है, दो ऑप्शन है तो मुझे ऑप्शन बताओ, फिर बताऊंगा अच्छा कौन सा है, और अगर एक ही यही ऑप्शन है तो हाँ नायाम बुरा तो नहीं है, लेकिन अच्छे में कहो तो IIM भी आ जाते हैं और कुछ कुछ और इंस्टीट्यूट जो और भी है जो इससे अच्छे माने जाते हैं, तो 5-7 और हैं, लेकिन आपके पास कॉल भी तो होना चाहिए ना वहां से, और वहां से कॉल नहीं है तो जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर कंफ्यूज है 16 और 22, यार अब तो बंद ही कर दिया मैंने इसको यार, 16 और 22 कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, आप ये कंफ्यूजन ना कमेंट बॉक्स में लिख देना नीचे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा वहां पे। आज कुछ नया सीखने को मिला, बहुत बहुत धन्यवाद, इसकी PDF टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिएगा ना, टेलीग्राम पर नहीं ऐप के अंदर डाल देंगे, एग्रीकोचिंग चंडीगढ़ का ऐप है, वहां पे फ्री पेड कोर्स के नाम से एक बना हुआ है, उस पर जाकर क्लिक करना, वहां मिल जाएगा। नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल क्या होता है? नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल मतलब आवारा पशु, जो सड़कों पर घूमते हैं ना वो नॉन डिस्क्रिप्ट होते हैं। सर राज्य सबसे अच्छा राजस्थान का GK कौन पढ़ाता है? ये तो नहीं बता सकता, बट सबसे खराब राजस्थान GK कौन पढ़ाता है वो बता सकता हूँ, मैं सबसे खराब पढ़ाता हूँ राजस्थान GK, इसलिए मैं पढ़ाता नहीं हूँ। अब सबसे अच्छा कौन पढ़ा रहा है भाई, मैं एग्रीकल्चर वाला बंदा हूँ, तो मछली से पूछ रहा है कि पेड़ पे कौन जल्दी चढ़ता है, तो मछली तो पानी के अंदर बता सकते, तो मुझसे एग्रीकल्चर का वो सबसे अच्छा कौन पढ़ाता है वो मेरे सारे बच्चे बता देंगे। एग्रीकल्चर वालों बताओ जरा, एग्रीकल्चर इंडिया में सबसे अच्छा कौन पढ़ाता है, इसका आंसर तो मिल जाएगा भाई तेरे को, लेकिन आप बोलो GK का अपने को पता नहीं है ना यार, अपने तो पी के हैं शाम को यार, GK तो होता नहीं है। कल की क्लास की PPT नहीं मिली, मिल गई है, अब जाके चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। मैंने आपके हेलो लाइन नंबर पर कॉल किया था, हेलो लाइन नहीं हेल्पलाइन है, वहां मुझे कहा गया था कि लाइव में बताना, क्या प्लीज लिखिए ना, मैं आंसर देता हूं आपकी बात का। ऑलवेज इंग्लिश PPT सर, वाई सो? इंग्लिश वॉज देयर इन द PPT। I am planning to add Urdu also. So now PPT will be in 3 languages, English, Hindi and Urdu. ठीक है,
है ना, दीपक सर अच्छा पढ़ाते हैं ना। हाँ यार मेरे को भी लगता है वो बंदा जो है ना वो ठीक ही पढ़ाता है यार। एग्रोनॉमी क्लास जो बाकी है करा दीजिए भाई, भाग थोड़ी गए हैं, आपके सामने ही खड़े हुए हैं, करवा के जाएंगे। आप क्या बातें कर रहे हैं यार, आप क्लासे लेते नहीं इसलिए मैं करता नहीं हूँ। क्यों भाई, कल की कक्षा के अंदर हमने कुछ डिस्कस किया था, जो लेते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो ये लिख रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं पता क्या डिस्कस हुआ था। पुष्पा कह रही है नहीं यहाँ पर नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एग्री कोचिंग चंडीगढ़ ऐप पर स्क्रीनशॉट दूं क्या सर? स्क्रीनशॉट दे दो, लेकिन स्क्रीनशॉट कहाँ पे दोगी? टेलीग्राम पे सर्च करना एग्रीकल्चर कोचिंग, स्पेस मत देना, पूरा सर्च करना एग्रीकल्चर कोचिंग, वहां पे अकाउंट आएगा एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के नाम से, उस पे स्क्रीनशॉट दे दो, मैं आंसर कर दूंगा आपको। किसी का नाम लिया जा रहा राजस्थान जीके के लिए, आप पढ़ सकते हैं और उनके पास जा सकते हैं जीके के लिए, मैं उनका नाम नहीं पढ़ूंगा, मैं खामखा क्यों किसी का प्रमोशन करूं, है ना। बाकी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई अच्छा टीचर है तो बच्चे बता रहे हैं तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि जीके की बात चल रही है। बहुत सारे सर की बात होगी, ठीक है भाई। कोई कह रहा है आप भी पढ़ो दीपक सर से, हाँ मुझे भी डाउट आएगा तो मैं उन्हीं क्लासेस अटेंड करूंगा एग्री कोचिंग चंडीगढ़ पे जाके। बस सर सबसे अच्छी हिंदी कौन पढ़ाता है? हाँ हाँ बढ़िया है, सबसे अच्छे मजे कौन लेता है पता है? हमारी क्लास के बच्चे। मैं जीके के लिए मना कर रहा हूँ, हिंदी पूछ ले रहा है, आपको क्या सबसे अच्छी उर्दू कौन पढ़ाता है ना। तो कुछ भी यार, मुझे क्या पता भाई, मैं हिंदी नहीं जानता हूँ यार, मुझे हिंदी का भी नहीं पता, जीके का भी नहीं पता, मुझे एग्रीकल्चर का पता है और वो मेरे बच्चों को भी पता है। खेती अभी बंजर, अच्छा ये तो कुछ कोट लिखा गया ऐसा लग रहा है, खेती अभी भी बंजर है, नैनो में था रास्ता, हृदया में था गांव, हुई ना पूरी यात्रा, छलनी हो गए पांव। बात बनी नहीं यार, पता नहीं आपने बीच में स्पेस नहीं दिया जहाँ पे देना था। आरबीएसओ सर डिप्लोमा कोर्स कौन सा चाहिए होता है थोड़ा बता दो। डिप्लोमा कोर्स नहीं, डिग्री चाहिए होती है, डिग्री के बाद एक्सपीरियंस चाहिए होता है, डिप्लोमा नहीं चाहिए। माय बर्थडे 28/8/2005 है, फॉर्म अप्लाई कर सकती हूँ? फॉर्म नहीं होता, फॉर्म होता है ये, है ना। और एज देख लीजिए बना के कितनी बनती है, 2005 के अंदर आप पैदा हुए हैं, अभी 23 चल रहा है, नहीं कर सकते आप 21 साल, मिनिमम एज 21 ईयर। चंडीगढ़ का वेदर कैसा है? बेकार है यार, अभी तो 3 दिनों से वेदर खराब हो गया, यूं तो बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, लेकिन 3 दिनों से थोड़ी गर्मी हो गई है भाई, कुछ मेरे घर वालों ने बिगाड़ दिया ऐसे ऑन कर करके, तो मुझे तो ज़्यादा लग रही है यार, बाकी पता नहीं है कि नहीं है। पर आप छात्र हो ना, अभी बेरोजगार हो, अभी के लिए ये सब बातें मत किया करो वेदर वेदर वाली, है ना। ये वेदर की बातें तब करना जब सेटल हो जाओ, जो वो तुम्हारे पास, फिर वेदर की बातें देखेंगे। जब तक वेदर, जब तक जॉब नहीं है तब तक कोई वेदर नहीं है, भाड़ में क्या वेदर, हम मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। अच्छा सुपर राजा का पूछ रहे थे यार, अरे तुम लोग पूरे क्वेश्चन लिखा करो यार। चलो ठीक है, अब कल मिलेंगे। सर मेरा बर्थडे है, विश कर दो प्लीज़। ओके, गुरबेज सिंह जी का बर्थडे है, गुरबेज सिंह जी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। बच्चों गुरबेज का बर्थडे है भाई, जल्दी से विश कर दो, फटाफट से सारे लोग विश करो। अब देखना गुरबेज जी विशेज तो बहुत सारी आ जाएंगी, पर भूखे बच्चे हैं, देखना हैप्पी बर्थडे लिखते हैं अगला मैसेज लिखेंगे, मुझे तो पता है क्या है, बाकी आप भी देख लेना, है ना। ठीक है ओके, चलो बर्थडे विश कर दो भाई हमारे छोटे भाई को, इम्पोर्टेंट है ना। आज के लिए ओवर करते हैं, कल मिलेंगे क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र के एमसीक्यूज के साथ। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लिंक जरूर शेयर कीजिएगा बाकी लोगों के साथ, ताकि मुझे लगे कि व्यूज अगर बढ़ रहे हैं तो मतलब मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूं, अच्छा ना पढ़ा पाऊं, कोई कमी दिखे तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना। मैं इस बात की गारंटी देता हूं जो आप कमी लिखेंगे ना, मैं उसको सुधार करके बहुत मेहनत करके अगले दिन फिर से आपके सामने आऊंगा। आज के लिए चलता हूं, कल मिलूंगा शाम को 7 बजे अगले टॉपिक क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद जय भारत।